यही नहीं, उसके बाद जैसे ही हमें पता लगा कि सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर बेचे जा रहे हैं और पेपर बेचने का धंधा ये काफी सालों से चल रहा था। पिछली सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई। क्या हुआ, अपनी गलती को ढकने के लिए दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर करवाया और दोबारा पुलिस भर्ती का पेपर डिक्लेयर करवाने के बाद रिजल्ट निकाल दिया। हमने 25 दिसंबर को पहला पेपर होना था, हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जाल बिछाया कि पेपर होने से दो दिन पहले ये पेपर बिकता है। उस जाल में वो जो पेपर और युवाओं के साथ धोखा करने वाले लोग थे उनको पकड़ा, और आज स्थिति यह है कि जो पेपर वहां पीछे से भी बिके हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनकी भी रिपोर्ट आ रही है, जो भविष्य में आने थे उनकी भी रिपोर्ट आ रही है। उस आधार पर हमने कहा कि जिस संस्था ने ऐसा काम किया उस संस्था को हमने भंग किया। और मुझे खुशी है कि अगले 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो अगले एग्जाम होने थे, पिछलों की जिनकी इंक्वायरी चल रही है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के जो हमारे अगले एग्जाम है 2000 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर रहा है। उनसे हम किसी प्रकार की फीस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने वहां अप्लाई किया हुआ है, उनका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, वो एक महीने के अंदर उनका एग्जाम होगा और उनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकल जाएगा, और जो पिछले हैं जिसमें कोई केस नहीं बनता उनके रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल गया। यह भी व्यवस्था परिवर्तन है कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन मसले हैं वो प्रभाव से बदली होगी और जो नहीं है उनके साथ जाएंगे। मैं तो समझ पाया, और जो आपका टारगेट है नई नौकरियों का उसको कैसे पूरा करेंगे हिसाब से? अभी तो नई भर्तियां शुरू हो रही है, जो अगले 10 दिन में नई भर्तियां हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शुरू कर रहा है, 2000 नई पद भरने की भर्तियों की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये है नई भर्ती। जो पिछले सबोर्डिनेट सिलेक्शन में बोर्ड में जो पेपर लीक हुए हैं, और जो पेपर लीक कई जगह, कुछ जगह ऐसा भी आया है कि कुछ जगह पेपर ठीक है, कुछ जगह लीक सिर्फ लिमिटेड तक है, तो उसमें हम पेपर रिजल्ट डिक्लेयर करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ओबीएस पे आपने कहा कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा, जो अगले 10 ओबीएस के लिए फॉर्म